कुछ कहना चाहिए? सबसे पहले मैं नागेश की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ. उनकी फिल्में हमेशा एक की जो स्टोरी होती है वो बहुत इट ऑलवेज टचेस यू. उनके जो स्टोरी नरेशन है इट्स समथिंग दैट स्टेज विद यू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. उनकी जितनी भी फिल्में मैंने देखी हैं उन्हें भूलना बहुत मुश्किल हो जाता है. वो कहीं ना कहीं एक रियली अ वेरी स्ट्रॉन्ग मार्क एंड फॉर मी आई लव द वे ही मेक्स हिज फिल्म्स. धनक इज अ फिल्म मैं जिसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ. इसके जो ट्रेलर्स हैं बहुत ही अमेजिंग थे और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये फिल्म देखने के लिए. मैं एक स्पा भी बॉम्बे में चलाती हूँ जिसका नाम है स्पंदना, जो कि मेरा छोटा सा NGO है जहाँ हम सिर्फ विजुअली चैलेंज लोगों को काम देते हैं. उस स्पा में जितने भी लोग काम करते हैं वो सब विजुअली चैलेंज हैं, देख नहीं सकते और दे ब्लेस्ड विद सेंस ऑफ टच. सो मसाज गिवन बाय अ ब्लाइंड पर्सन हैज हीलिंग पावर्स. और क्योंकि इस फिल्म में भी एक बच्चा है जो देख नहीं सकता, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि इस फिल्म में इस बच्चे की का रोल क्या है और किस तरह इस फिल्म में इस बच्चे की जर्नी कैसी रहेगी. और आई एम रियली एक्साइटेड. थैंक यू. आगे बोलो. सलमान और शाहरुख, हम पूरी कंट्री उन दोनों के बहुत बड़े फ़ैन हैं. दोनों अलग किस्म के एक्टर्स हैं, बहुत सक्सेसफुल हैं मगर अलग हैं एकदम. और दोनों आई मीन आई लव बोथ ऑफ देम. आई लव बोथ सलमान एंड शाहरुख एंड I mean they're fantastic. I'm a big fan of both of them. Shreya, fans are also being so eagerly waiting for you to come on 7pm and back. So tell us something about your. ये जो अगली फिल्म है उसका नाम है तड़का, जो कि तड़का जो प्रकाश राज डायरेक्ट कर रहे हैं. प्रकाश राज एक बहुत ही established, famous और well acclaimed actor है जिनको बहुत नेशनल अवार्ड्स मिल चुके हैं और everyone loves him as an actor. मैं उनके साथ मेरी पहली फिल्म उनके साथ थी और आज वो मुझे डायरेक्ट कर रहे हैं. सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी. सो प्रकाश इज डायरेक्टिंग मी एंड इसमें मेरे को-स्टार है नाना पाटेकर. वेल हम सब ही उनके फैन हैं मगर नरसम्राट देखने के बाद आई फील इज अ वेरी टैलेंटेड एक्टर. और इट्स रियली इंटरेस्टिंग टू शेयर स्क्रीन प्रेजेंस विद हिम. देयर इज अ लॉट टू लर्न फ्रॉम हिम. आई मीन देयर इज अ लॉट टू लर्न फ्रॉम द एंटायर यूनिट. प्रकाश आर डायरेक्टिंग मी, नाना पाटेकर इज माई को-स्टार, इट हैज ललित दुबे, तापसी अली. सो इट इज लवली वर्किंग. इस फिल्म को शूट हमने गोवा में किया और बहुत मज़ा आया और मुझे यकीन है जितना मज़ा हमें इस फिल्म को बनाने में आया उतना मज़ा आप लोगों को ये फिल्म देखने में भी आया.